टीवी की टीम पहुंच चुकी है भारत मंडपम। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कतार में बहुत सारे सिक्योरिटी चेक हैं, ऊपर शेड है और यहां किसी भी तरीके से किसी को भी सिक्योरिटी चेक में 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लग रहा है। एंटी सेबोटाज चेक अभी भी यहां चल रहा है और जितने भी यहां से मीडिया डेलीगेट्स हैं उनके लिए इस तरह की शटल सर्विस दी गई है। ये भारत मंडपम का वो एरिया है जहां से मीडिया की एंट्री होगी और ग्लोबल मीडिया यहां पहुंचेगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाला स्कल्पचर फिलहाल भारत की प्रेसिडेंसी को तस्वीरों के जरिए दिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो G20 लिखा है और फूलों और पत्तियों से पूरा विश्व बनाया गया है। जिस तरह से हम वन फ्यूचर वन वर्ल्ड वन अर्थ की बात कर रहे हैं उसको लेकर ये तैयारियां हैं। ये पहली तस्वीरें हैं जो आप भारत मंडपम से देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ इंतजाम किए गए हैं और ये भारत मंडपम ग्लोबल स्टेज पर भारत को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है और इसी वेन्यू पर 20 G20 देशों के प्रतिनिधि यहां जुड़ेंगे जिसमें 19 राष्ट्र और एक यूरोपीय यूनियन है। इसके अलावा अफ्रीका देशों से भी मेहमान बुलाए गए हैं, बांग्लादेश को भी और मॉरिशस को भी न्योता दिया गया है। कोशिश ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी विकसित देशों की जो इकोनॉमीज है उनका पैसा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मिल सके और इसी के तहत यहाँ देख रहे हैं। पीछे जो होर्डिंग आप देख रहे हैं इस तरीके से लगाए गए हैं कि अगर आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको पूरे भारत का अक्ष दिखाई देगा, तस्वीर दिखाई देगी, संस्कृति दिखाई देगी, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में शांति स्तूप हो या फिर संगीत हो, कल्चर हो, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी स्थिति है, यानी पूरे भारत की तस्वीर इस वॉकवे में आपको दिखाई दे जाएगी और यही वजह है कि भारत विश्व को अपनी सांस्कृतिक आर्थिक ताकत दिखाना चाहता है और कहना चाहता है कि भारत विश्व में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिसमें सबसे अहम भूमिका है गरीब राष्ट्रों के लिए विकास के लिए फंड जुटाना, फंड उपलब्ध करवाना और जो लैंडिंग है या कहें कि विकासशील देशों को जो कर्ज मिलता है वो आसान शर्तों पे हो, ना कि कर्ज की एक ऐसा जाल हो जिससे उनकी सोवरेनिटी पर खतरा हो। पवन नारा, इंडिया टीवी, भारत मंडपम। राइट में ले लो। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़ी मीटिंग के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो भारत मंडपम की तस्वीर है जो विदेशी मेहमानों की मेजबानी के लिए सज धज कर तैयार हो चुका है। इस वक्त चाहे वो जो बाइडेन हो, ट्रूडो हो, इमैनुअल मैक्रो हो, सभी राष्ट्राध्यक्षों पर इस वक्त दुनिया की निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार हम उनका रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित पालित भी लगातार इस कार्यक्रम को, इस कवरेज को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पवन, पहले आप ये बताएं भारत मंडपम की कैपेसिटी कितनी है और एक साथ कितने लोग मीटिंग में शामिल होने वाले हैं? देखिए भारत मंडपम, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये मेन वेन्यू है जहां पर 20 राष्ट्राध्यक्ष G20 के लिए जुटेंगे। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये मीडिया सेंटर है, यही 3 मंजिल का मीडिया सेंटर है जिसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। कुल कैपेसिटी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मुख्य वेन्यू आप देख रहे हैं उसमें सारे आयोजन होने हैं, जिसमें भारत की अलग अलग जो एक्सपर्टीज रही हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा और जिनमें से एक सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिस तरह से भारत UPI के मामले में या कहें कि डिजिटल पेमेंट के मामले में सबसे ऊपर है, तो वो प्रदर्शित किया जाएगा और खासकर डिजिटल इंक्लूजन के तौर पर भारत एक लीडरशिप पोजिशन पे है वो प्रदर्शित किया जाएगा। जरा मैं आपको यहाँ की तैयारियों का आकलन करवा दूं, तो जैसे ही आप यहाँ अंदर घुसेंगे तो मैं जरा आपको दिखाने की कोशिश भर के मीडिया के लोग आएंगे और वो आएंगे, हम आपको अंदर की तैयारियां और इंतजाम दिखाते हैं किस तरीके से एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन को पूरे वर्ल्ड ओवर यहीं से भेजा जाएगा। तो मैं आपको जरा अंदर लेकर चलता हूँ। ये सब वो एरियाज हैं जहां पर
डेलीगेट्स इंटरव्यू देंगे और इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वर्किंग स्टेशन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। यानी भारत की तरफ से जो जानकारी यहाँ पहुंचनी चाहिए वो लगातार पहुंचती रहे, उसकी तैयारियां की गई हैं। इंटरव्यूज और डिग्निटरीज यहाँ मीडिया से इंटरेक्ट करने के लिए पहुंचेंगे और ये अंदर है। यहाँ पर लगभग 3,500 मीडिया पर्सनल ने G20 को कवर करने के लिए विश्व भर से रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके लिए वर्किंग स्टेशन आपको यहाँ दिखाई देंगे और ये दिखाता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करने में महारत हासिल कर चुका है और बेहद सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल मीडिया सेंटर इस वक्त आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ दिखाई देगा जिस पर भारत की पूरी कहानी बयां की जा रही है। यानी सिर्फ वही बात नहीं सुनाई देगी जो नेता कह रहे होंगे बल्कि पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा। हम्पी फेस्टिवल दिखाया जा रहा है, यानी ये वो अवसर है जब आप ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक तस्वीर पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं। ये वॉकिंग स्टेशन है और अब ये वो इलाका है जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहीं पर वो इंटरव्यूज होंगे और यहीं पर वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा। बड़े बड़े स्क्रीन पर G20 के होर्डिंग चल रहे हैं और ये वो राष्ट्र हैं जो इस G20 के हिस्सेदार है। यूरोपियन यूनियन के अलावा 9 राष्ट्र जो G20 में हमारे साझेदार हैं उन सबके यहाँ झंडे लगे हैं। ओवर टू यू मीनाक्षी। तो पवन दिखा रहे हैं भारत मंडपम की तस्वीर। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई हैं, अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, दुनिया की जो महाशक्ति हैं वो यहाँ पर जब मौजूद होंगी तो भारत की जो ताकत है उससे भी रूबरू करवाने का ये बहुत अच्छा मौका भारत के पास है। इसलिए पवन आप ये बताएं कि जो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, इसे ये दुनिया को और साथ ही साथ कैसे समझाया जाएगा राष्ट्र अध्यक्षों को कि भारत यूपीआई के क्षेत्र में इतना आगे कैसे हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है, डिजिटल नंबर वन है, जबकि आर्थिक महाशक्ति है। भारत माना जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में पीछे था, तकनीकी के क्षेत्र में, लेकिन भारत वो डिजिटल सॉल्यूशन देने में कामयाब रहा जहां एक निरक्षर इंसान भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है, पैसा ले रहा है, दे रहा है और उस ट्रांजेक्शन की कोई फीस नहीं है। और यही ट्रांजेक्शन ग्लोबल स्टेज पर सबसे विकसित माने जाने वाले राष्ट्रों में भी संभव नहीं है, तो वो भारत की एक बड़ी उपलब्धि है जिसे भारत शोकेस करेगा और पूरा विश्व जिसको कॉपी कर सकता है या कहें कि जरूर प्रेरणा लेना चाहेगा, तो एक बड़ी बात वो है। दूसरी बात है, अब की बार अफ्रीकन नेशंस को भी यहां इनवाइट किया गया है गेस्ट के तौर पर और भारत की कोशिश यह है कि अफ्रीकी राष्ट्रों को भी G20 में शामिल किया जाए। क्या यूरोपियन यूनियन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत से विश्व की समस्याओं का अंत नहीं होगा लेकिन शुरुआत जरूर हो सकती है। तो अफ्रीकन जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको पैसे की मदद कैसे दी जाए, एक बड़ा एजेंडा यह हो सकता है। G20 को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था संगठन को, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से यह जियोपॉलिटिकल टसल में फंसता हुआ दिखाई दिया, लेकिन भारत इसे वापस इकोनॉमिक एजेंडे पर ले आया है। भारत ने पूरे भारत भर में अलग अलग ग्रुप स्तर की मीटिंग की है जो कि केवल राजधानी तक सीमित नहीं थी। हमने अपना पूरा भारत दिखाया, मेक इन इंडिया दिखाया, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी गोल्स को हम कैसे हासिल कर रहे हैं। यानी हमारे पास शोकेस करने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो शेयर्ड वन फ्यूचर की तरफ बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और वही हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खास तौर पर एक बात और है मीनाक्षी कि पवन आप ये जानकारियां जो साझा कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू विद दैट और साथ ही साथ आप जो अंदर की तस्वीरें तो दर्शकों को दिखाए ही, क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की जो बात कर रहे हैं उसे भी इसके साथ साथ जरूर दर्शकों के साथ साझा करें, लेकिन अंदर की तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाएं। चलो चलिए जरूर मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाया किस तरीके से सभी पार्टिसिपेटिंग नेशंस के जो झंडे यहां पर लगे हुए हैं। वर्किंग स्टेशन जो जर्नलिस्ट आएंगे उनके लिए यहाँ सभी के लिए वर्किंग स्टेशन उपलब्ध हैं और देखिए जैसे किस तरह से नेमिंग नोमेनक्लेचर किया गया है वो भी भारत की अक्ष दिखाता है। जैसे यहाँ एक बैठने का इलाका है जिसका नाम नर्मदा रखा गया है,
वो महानंदी रखा गया है, इस तरीके से यहाँ है। और सबसे बड़ी बात, ये एक इंटरनेशनल वेन्यू है और पहली बार आप देख रहे हैं कि भारत मंडपम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एग्जीबिशन सेंटर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके अंदर पहला एक बड़ा आयोजन हो रहा है। और यहां आकर आपको कभी यह एहसास नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर किसी भी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट की एक और यहां बैठने का इलाका बनाया, नाम कावेरी रखा गया है। यहां सभी को वर्क स्टेशन उपलब्ध करवाए गए हैं, आईटी सपोर्ट है और जरिए हम आपसे जुड़े हैं। यहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल क्रांति में भारत ने इंटरनेट कनेक्टिविटी दी है उसका भी जीता जागता उदाहरण है। जरा आप स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहां आपको चिनाब ब्रिज पर बनने वाला सेतु दिखाई दे रहा है, यहां भारत की शायद पाली दिखाई दे रही है, सोनमा रहा है। यानी आप जब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लीडर्स इंडिया पहुंचेंगे तो उन्हें भारत अप क्लोज एंड पर्सनल दिखाई देगा। यानी वो भारत नहीं होगा जिसको आपने सुनी सुनाई बातों पर एक तस्वीर गढ़ी है, बल्कि आप यहां देखेंगे कि विकास हो रहा है तो कैसे हो रहा है और कैसे डिजिटल क्रांति ने भारत के विकास को पंख लगाए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।